जैसे मैं जिसका खतियानी ज़मीन हो गया, किसी का खरीद बिक्री वाला हो गया, केवाला वाला ज़मीन हो गया, किसी को दान दिया गया है वो वाला होगा। आपका जितना ज़मीन का विवरण है सबको आपको पहले देना है। नमस्कार, मैं श्रीकांत भारती और आप लोग देख रहे हैं डीएनडी न्यूज़। इस वक्त हम लोग हमारे साथ में अमीन है अमडारी पंचायत के, संतोष कुमार। जी सर बोलिए। क्या प्रोसेस करना पड़ रहा आदमी को सर्वे के लिए, पहले आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना? देखिए, स्टार्टिंग करना है जैसे मैं आपका जितना ज़मीन का विवरण है सबको आपको पहले देना है। जैसे मैं जिसका खतियानी ज़मीन हो गया, किसी का खरीद बिक्री वाला हो गया, केवाला वाला ज़मीन हो गया, किसी को दान दिया गया है वो वाला होगा। बहुत तरह का ज़मीन है आसपास का, वहीं अगर अति करना होगा उसके लिए तो आसपास से मतलब क्या हाँ पूछ सकते हैं उसके लिए, उसके कि हाँ किसके दखल कब्जा में था। अच्छा, आप लोग बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जो ज़मीन आपका निजी है पहले आप उसका फॉर्म भर दीजिए, तब सिर्फ प्रपत्र टू भरने से काम हो जाएगा उसमें? हाँ, निजी है, प्रपत्र टू भरिए, प्रपत्र टू भर के और अपना आधार कार्ड का लगाइए, केवाला का पूरा कॉपी लगा दीजिए, क्या बोलते हैं रसीद जो है ऑनलाइन वो लगा सकते हैं, ऑनलाइन रसीद लगाइए। हाँ, अगर इन द केस नहीं ऑनलाइन वाला है तो फिलहाल अभी ऑफलाइन वाला जो आपके पास है उसको लगाइए, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं है कि बैठ जाइए कि हाँ लगा के बैठ गए, उसका आप ट्राई करिए ऑनलाइन भी करवाने का, ऑनलाइन करवा लीजिए उसके बाद हो जाएगा। अच्छा, चलिए एक चीज़ और पूछना था आपसे, जैसे कि जो आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले एक आदमी को कि जो हम लोग बना रहे थे बंसावली, अगर आपसे भी बात है किसी कारण से हम चाहते हैं कि साथ में ना बनाए, ठीक, और मुंह से बंटवारा हुआ, मौखिक बंटवारा हुआ है, तो हम अपना बंसावली अलग कर सकते हैं? आप अलग कर सकते हैं बंसावली, कोई बात नहीं, अलग कर सकते हैं, कोई नहीं दिक्कत। हाँ, उसमें कुछ गलत ना होना चाहिए, किसी को आपत्ति ना होना चाहिए। हाँ, गलत नहीं होना चाहिए उस, अब अलग अलग करना है तो उसके लिए आपको शपथ करवाना होगा वहाँ नोटरी के पास जाके, आप खुद से नहीं भर सकते हैं। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले हम लोग को ऐसे नोटिस तो नहीं आया था इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे अपने से भी भर कर सकते थे बंसावली, खुद से स्वयं मतलब स्वयं घोषित बंसावली बनवा सकते थे। तो उसमें था आपको जितना मेंबर है सब मेंबर रहना चाहिए, एक भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह से जाते हैं शपथ से जो नोटरी के पास जाते हैं तो उस वृक्ष में जिनके नाम से खतियानी में ज़मीन है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आप जिनके वंशज हैं उन्हीं के वंशज में लेके आइए, बाकी को छोड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर नोटरी आपको शपथ जीवित सबका डालना होगा कि जिनका तक हम चाहते हैं खाता खुला उन्हीं का नाम डालना है, जहाँ तक लास्ट हमको पापा का बनवाना, पापा तक करवाना है, ठीक, पापा तक नाम डालेंगे उसमें। हाँ, पापा जी जीवित है तो पापा तक छोड़ दीजिएगा, आप अपने नहीं डालिएगा, पापा लोग जीवित होंगे तक डाल के छोड़ सकते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। और ये जो इसमें बहनों का बेटियों का जो नाम डालना अनिवार्य है, इसमें अगर कोई मृत हो गया, कोई मृत हो गया तो उसका नाम तो रहेगा ही लेकिन उसके सामने उसका स्वर्गीय करके कर छोड़ सकते हैं। और ये एक चीज़ और है जो कि जो आप बता रहे कि एनओसी लगाना पड़ेगा, अगर उनका प्रॉपर्टी नहीं लेना है तो साथ में ही लगाना पड़ेगा साथ? हाँ, साथ फॉर्म के साथ ही एनओसी लगाना। जैसे कि एनओसी कैसे लगाएंगे, जो स्टाम्प कोड से मिलता है कि इनके इस पर टाइप करवा करके साइन करवा लेना? हाँ, और कुछ और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, संतोष कुमार जी थे हमारे साथ जो अमीन है भूमि सर्वे को लेकर के जो जानकारी दे रहे थे हम लोग को, और आप लोग संतुष्ट होंगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को